ज़्यादा ही सुंदर है ये एल्बम, ये गाना रविवार तो गाना इतना सुंदर है, उसके लफ्ज जो है इतने बेहतरीन है, आंखों की तालीम, यानी मैं हमेशा से कभी भी ऐसे सोचते हैं तो सोचते हैं कि अगर हमारे से कोई हमारे अगर कोई करीबी मित्र हो, अगर उनके साथ या अगर बाई चांस लाइफ में दुर्घटना हो तो किस चीज़ से कहते हैं, बट ये जितना पॉजिटिव एक एल्बम है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा रंजू गर्विस जो है एल्बम की कोरियोग्राफर डायरेक्टर, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। मैं आज उनके और गणेश जी दोनों के लिए यहाँ मौजूद हूँ और गाना बहुत ही शानदार था, रेनू ने बहुत अच्छा काम किया है। आज पहला डेब्यू था, बहुत नर्वस थे आज जब मैं इवेंट आया तो जैसे मैं आपसे कह रहा था रंजू ने इतना अच्छा काम किया है कि इतना ये एक मुश्किल जॉनर है कि इसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ को पहले विजुलाइज करना होता है, फिर आप एक स्टूडियो में बन जाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट बाद में कंप्लीट करना होता है, तो पहले ही आपको शॉट्स जो है आपको दिमाग में सोच समझ के वैसे लेने चाहिए। हाल ही में मैंने बाहुबली देखी थी जिसमें इफेक्ट्स का इतना काम था और इतने बेहतरीन तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया, और अब मैं ये गाना देख रहा हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगा कि मुझे पसंद आए। हर एक शॉट मुझे याद है, चाहे वो फूलों का गिरना हो, चाहे वो बड़ा एक सूरज हो जिसके आगे रेनू एक जहाज पे खड़ी है, तो इतने सारे शॉट्स हैं, मुझे हर शॉट एक से बढ़ के एक अच्छा लगा, और इसका पूरा श्रेय मैं ज़रूर रंजू को दूंगा, उनकी टीम को दूंगा, कादम्बरी को दूंगा, इनकी वाइफ जो है जो एडिटर है। रंजू ने जिस तरीके से रजनीश और रेनू को हैंडल किया ये दिखाता है कि रंजू अब एक डायरेक्टर के मोड पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये अब फिल्म भी डायरेक्ट जरूर बहुत जल्द इंशाल्लाह करेंगे। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आपका जो ग्रे शेड है बोलबाल में वो काफी सराहा जा रहा है और ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है मूवी, तो क्या कहेंगे जो एप्रिसिएशन जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है दर्शकों से? रंजू और मैं दोनों ही लंदन में हाल ही में शूट कर रहे थे फिफ्टी के लिए, और मैं रंजू से कह रहा था कि मैंने एक दिन भी प्रमोशन किया नहीं है बोलबाल का, मैं लंदन में हूँ, जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई उसी रात को मैं वापस आया, अगले दिन दिवाली थी तो परिवार के साथ सबके साथ दिवाली मनाई, मगर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ प्रभावित हूँ कि आप लोगों ने इतनी इज्जत दी है वापस मुझे। बहुत मुश्किल था कि ऐसी एक फिल्म करना, क्योंकि पहले तो ऐसी फिल्म आसानी से खो जा सकती है, बट मोहित सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे ही कलाकारों को अपनी अपनी एक जगह दी, और उसमें मुझे इस किस्म का निखिल का किरदार निभाने के लिए एक मौका दिया जिसके लिए आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। कहीं ना कहीं प्रमोशन में आप शामिल नहीं हो पाए, कई सारे इंटरव्यूज़ भी मिस हुए हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करने का? जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अजय सर इतने सीनियर हैं, उनके साथ खड़े रहने का भी एक जो गर्व महसूस कर रहा था वो बहुत बेहतरीन एक मोमेंट था मेरे लिए। बाकी सारे ही जो है अरशद श्रेयस सब दोस्त थे मेरे, कुणाल बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, तो तुषार करे इन सबके साथ कहीं ना कहीं ऑलरेडी इतना काम और हम लोग इतना मिलते जुलते रहते हैं, मगर काम करके पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो ये काम करते हैं कितना मुश्किल है। कुणाल ने जिस किस्म से अपने कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर उतारा है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर एक्टर्स ये कर पाते हैं, श्रेयस ने अर्शद ने सभी ने तुषार ने, जो तुषार करता है वो कोई नहीं कर सकता, तो बोलबाल की जो फैमिली है वो बोलबाल की ही फैमिली रहेगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइफ समझा कि मैं उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन। जाते जाते नील आपसे जाना चाहूँगा कि किरदार बदलते रहते हैं, प्रिपेयर करने के लिए बहुत वक्त जाता है, गोलमाल में ग्रे शेड है, अभी शाहू की मूवी भी तैयारी जा रही है, तो थोड़ा अभी जिम का रूटीन बदल गया है, वेट गेन का रूटीन बदल गया है, और बेहतरीन
एक्सपीरियंस हो रहा है साहू के सेट पे भी, प्रभास है सामने बाहुबली, तो उनके साथ वापस काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि एक लैंग्वेज में नहीं कर रहे हैं, हम तीन लैंग्वेजेस में शूट कर रहे हैं फिल्म, तेलुगु, हिंदी और तमिल, तो हर एक शॉट के बाद लैंग्वेज बदल जाता है, शॉट वही रहता है, मगर तो क्योंकि लैंग्वेज बदलता है तो आपके एक्सप्रेशन भी उस हिसाब से बदलने चाहिए, तो इतना सब कुछ ध्यान में रखते हुए, कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, बॉडी लैंग्वेज को, मज़ा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ब्लेसिंग।